Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. This is Wajahat Hussain from Midasia Foundation Academy. I am science teacher and I hope you all are fine and safe at your homes and follow all the instructions regarding coronavirus, in which you have to wear the mask when you go outside from your home, wash your hands properly, and all those instructions which are essential in this disease. ओके बच्चों, हम शुरू करते हैं. आज जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और ये एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक हमारे पास है. बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा. मैं बहुत आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एग्जिस्टेंस का एविडेंस आपने देना है कि जनाब आप कैसे कह सकते हो कि हमारे पास जो हैं वो पार्टिकल्स पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये जो मेरा लेक्चर है, ये लेक्चर है क्लास सिक्स के लिए और सब्जेक्ट जो है वो एज़ यूजुअल हमारे पास साइंस है. देखें, अगर आप यहाँ बोर्ड पे देखें तो मैंने आपके पास सिर्फ यहाँ पे टॉपिक का नेम मैंशन किया है, एविडेंस दैट पार्टिकल्स एग्जिस्ट, और एग्जाम्पल जो है वो इसमें मैंने दी है आपको बलून की. ठीक है, अब हम बलून से स्टार्ट लेते हैं. एक छोटी सी एग्जाम्पल है, आपके घर में बर्थडे पार्टी थी. ठीक है, आपने जनाब बलून्स जो हैं वो उनमें एयर ब्लो की. अब हुआ क्या कि आपके छोटे भाई बहन ने उनमें से जो आपने बलून में एयर ब्लो की थी उनमें से एक दो बलून जो हैं वो छुपके से चुरा लिए और उन्होंने ले जाकर अलग रख दिए कि वो बाद में खेलेंगे. अब हुआ क्या कि छोटे हैं, भूल गए, जहन से निकल गया. कुछ दिनों बाद उन्हें याद आया कि हमने उस जगह पर बलून रखे थे, जाकर देखते हैं कि वो बलून अब भी वैसे ही हैं जिस जैसे उन्होंने रखे थे. अब हुआ क्या जनाब, वो वहाँ पर गए, उन्होंने देखा कि वो जो बलून है उनमें से एयर निकल चुकी है. हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसमें से एयर निकल जाए, हालांकि वो टाइटली जो है वो नॉट उसमें लगी है, लेकिन इसके बावजूद उनमें से एयर जो है वो निकल गई है. तो ये इस तरीके से होता है बेटा कि अगर आप बलून को देखें तो बलून की जो हमारे पास सरफेस होती है, जैसे हमारे पास सपोज करें ये जो है वो वॉल ऑफ बलून है. ठीक है, अब इस बलून की वॉल पर अगर आप गौर से देखें ना तो आपको छोटे 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 से इस तरह से होल्स नज़र आएंगे. असल में होता क्या है, होता यह है कि आपने जब एयर बलून के अंदर ब्लो कर दी, अब आपने उसको छोड़ दिया, थोड़ी थोड़ा 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 करके एयर का प्रेशर जो है वो बलून के अंदर कम होता रहता है. अब वो एयर के अंदर प्रेशर क्यों कम हो रहा है, क्योंकि एयर इन छोटे छोटे होल्स से बाहर निकलती रहती है और जैसे जैसे एयर बाहर निकलती रहती है वैसे वैसे जनाब आपका जो बलून है वो बलून क्या होता जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि कंप्लीट एयर उसमें से निकल जाती है और आपका बलून जो है वो कंप्लीटली एयर से ख़त्म हो जाता है. ठीक है, यानी उसके अंदर एयर जो है वो आपकी ख़त्म हो जाती है. अब ये एक हैरानगी वाली बात है कि नॉट बंधी है, टाइट है, बट इसके बावजूद एयर जो है वो उसके अंदर से निकल जाती है. सो दिस इज़ द मैजिक. ठीक है, अच्छा खैर ये तो एक मजाक था, आगे बढ़ते हैं. देखिए, ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली जो हैं वो प्रूव की जाती हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, हमें एविडेंस देना है कि पार्टिकल्स होते हैं. अब आप एविडेंस कैसे दे सकते हैं, वो देखो, आपने जो बलून के अंदर एयर ब्लो की थी आपने उसको टाइटली नॉट जो है उसमें बांध दी. अब आप क्या करें, आप उस नॉट को खोलें. आपने जब उस नॉट को खोला तो उसके अंदर की जो एयर है वो तमाम तर एयर बाहर निकलेगी. जब वो एयर बाहर निकलेगी तो वो एक प्रेशर से बाहर निकलेगी, जो इस बात का प्रूफ होगी कि जनाब पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं किस चीज़ में, एयर के मॉलिक्यूल्स के अंदर. ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो आपके बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दी है कि आप बलून में अगर एक पिन को जो है वो नीडल को स्ट्राइक करते हैं, नीडल जब उसमें चुभाते हैं तो क्या होता है कि वो एकदम फट जाता है. हाउ इज इट पॉसिबल, वो अचानक से क्यों फट गया और फिर उसमें से एक साउंड भी प्रोड्यूस होता है. देखिए, वो होता ये है कि आपने जब इस बलून के अंदर एयर को ब्लो किया था तो ये बलून जब एयर से रिफिल था, जब इसके अंदर जनाब एयर मौजूद थी, उस टाइम पर इसकी जो वॉल्स थी ये वॉल्स आपकी इस तरीके से फॉर्म हो गई.
ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपने जैसे ही निडल चुभाई, आपने जैसे उसमें निडल पिंच की, तो निडल के पिंच करने पर, क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि गैस का एक प्रेशर होता है, आपने जैसे ही उसमें निडल पिंच की, निडल आपने उसमें चुभाई, तो गैस जो प्रेशर इसकी वॉल्स पर अप्लाई कर रही थी वो एकदम प्रेशर रिलीज हुआ। जब वो प्रेशर रिलीज हुआ तो उस सूरत हाल की वजह से आपका जो बलून है वो फटा, वो बलून फटा और उसके अंदर से प्रेशर से जो है वो गैस बाहर निकली। अब एक सवाल यहाँ पर ये कि गैस नज़र नहीं आती लेकिन आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक छोटी सी एग्जांपल है कि मैं अगर एक मैचस्टिक को बर्न करूं तो मैचस्टिक बर्न करने पर उसका जो स्मोक है, जो धुआं है, वो आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन आप उसे स्मेल कर लेंगे कि जनाब कोई चीज़ है वो बर्न हुई है, किसी चीज़ को जलाया गया है। अब आप ये कैसे करते हो, देखो आपके पास जो गैसेस होती हैं वो नज़र नहीं आती हैं, ठीक है, लेकिन आप उन्हें फील कर सकते हो, आप उन्हें महसूस कर सकते हो, आप उनके होने का एहसास कर सकते हो। लिहाजा इसलिए जो है वो हम कहते हैं कि जनाब गैस नज़र नहीं आती लेकिन हम फिर भी उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गैस की जो है वो गैस कौन सी नेचर में है, कौन सी नेचर में नहीं है। नेचर का मतलब मेरा यहाँ पर ये कि कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जिनकी स्मेल बहुत ज़्यादा ऑर्डर होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो स्मेली होती है, बहुत ज़्यादा उनकी गंदी स्मेल होती है। और कुछ गैसेज होती हैं जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, सिंपल आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन गैस आपकी बॉडी में जा रही है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्मल आप सांस ले रहे हो, आपके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं वो प्लेजेंट होते हैं, खुशी खुशी आप ये काम अंजाम दे रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी जगह कचरा जल रहा है और आप वहाँ से गुजर रहे हैं तो वहाँ से जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो आपकी जब बॉडी में इनहेल आप करोगे तो आप एक अजीब से जो वो फीलिंग्स दोगे, ठीक है। तो ये गैस जो है वो नज़र नहीं आती लेकिन हम इन्हें फील कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो मैंने आपकी वर्कशीट के अंदर जो है वो मौजूद है, वो क्वेश्चन ये है कि व्हाई सॉलिड्स डू नॉट फ्लो एंड गैसेस कंप्रेस इजिली। सॉलिड फ्लो क्यों नहीं करता। प्रीवियस वर्कशीट्स के अंदर आप इसका आंसर देखकर आए हो, आपने चीज़ पढ़ी है, मैंने सिर्फ इसको रिपीट किया है ताकि आपको माइंड में जो क्लियर हो सके या आप भूलें ना। देखें सॉलिड फ्लो क्यों नहीं करता, बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चों, वेरी गुड, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जिसकी बिना पर इनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट होती है हमारे पास वाइब्रेटरी मूवमेंट, ठीक है, इनके अंदर हमारे पास वाइब्रेटरी मूवमेंट होती है जिसकी बिना पर सॉलिड जो है वो अपना एक डेफिनेट शेप रखता है या सॉलिड जो है वो हमारे पास फ्लो नहीं करता। फ्लो हमारे पास करते हैं लिक्विड के, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स में जो है वो गैप जो है वो डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाई गैसेस कंप्रेस इजीली, आप गैस को किस तरीके से बड़े आराम से कंप्रेस कर सकते हो। बहुत आसान सी चीज़ है, क्यों कर सकते हो, क्योंकि गैस के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखते हैं, उनके दरमियान में फासला बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लिहाजा आप इन में बआसानी प्रेस कर सकते हो, बआसानी आप इन्हें कंप्रेस कर सकते हो। क्योंकि आप सपोज़ करो अगर यहाँ से कंप्रेस कर रहे हो तो आपने प्रेशर दिया, अब ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल इससे जाकर टकराएगा तो एक डिस्टेंस को कवर करेगा, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लिहाजा इसलिए आप बआसानी गैसेस को जो है वो कंप्रेस कर सकते हो, बआसानी गैसेस को जो है वो आप दबा सकते हो, ठीक है बच्चों। अच्छा बेटा, अगर आप अपनी वर्कशीट्स को देखें तो आपके पास वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने जो है वो रीड करना है केयरफुली पेज नंबर 82 और 83, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आपका है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है व्हाई बलून डिफ्लेक्ट क्विकली व्हेन यू स्टिक अप इन इट।
आप किसी बैलून के अंदर जब कोई पिन निडल जो है वो उसमें स्टिक करते हो, चुभाते हो, तो वो क्यों बहुत तेज़ी से डिफ्लेक्ट होता है? और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ नेचुरल गैस इज़ इनविजिबल सो हाउ कैन यू टेल व्हेन गैस इज़ लीकिंग? अगर हमारे पास गैस जो है वो इनविजिबल है, गैस नज़र नहीं आती, तो आप कैसे कह सकते हो कि जनाब किसी हिस्से से जो है वो आपके गैस लीक हो रही है? जैसे अमूमन आपके जो घरों के अंदर गैस कनेक्शंस होते हैं या गैस पाइप्स होते हैं वो लीक हो जाएं, तो आप फौरन आइडेंटिफाई कर लेते हो कि जनाब गैस लीक हो रही है, तो वो आपको नज़र नहीं आ रही लेकिन आप उसे आइडेंटिफाई कर लेते हो। कैसे आइडेंटिफाई करते हो? ठीक है, फिर इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई सॉलिड्स डू नॉट फ्लो एंड गैसेस कंप्रेस ईजिली? ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आपका है, व्हाई बलून स्लोली डिफ्लेट? आपको जो बलून है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें से वो क्यों डिफ्लेट होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें से जो एयर है वो क्यों निकलती है? ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जो आपकी वर्कशीट के अंदर मौजूद है। इन्हें बहुत ध्यान से लेक्चर को सुनते हुए सॉल्व करिएगा। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर इसके बावजूद आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।